पापा कहाँ है? बासिल, बासिल पापा कहाँ है? आईता ओए गिन नहीं जा रहा आईता इसको भरोसा नहीं है भाई। चुपन चुपन भी खिला गया इसको भाई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई अभी का सीन ऐसा है कि आज जो है ना वो बासिल की है वैक्सीनेशन डे। आज आप बासिल रोते हुए देखेंगे। यस, और आपको पता है कि बासिल रो रहा होता तो मेरे दिल में सोचो ना आग निकल रही होती है। मैं नहीं चाहता कि बासिल रोए, भले इसकी अम्मा रुलाती है, कोई भी रुलाता है। क्या मतलब अम्मा रुलाती है? मतलब कि जब किसी से रो जाए ये। हाँ तो अम्मा का नाम क्या है बीच में? अम्मा के सामने भी रो जाता है ना। हाँ। तो इसकी अम्मा को भी बोलता हूँ कि भाई क्यों रो है। तो आज तो उसको वैक्सीनेशन लगवानी है और मुझे पता है कि इंजेक्शन के बाद तो ये बड़ा रोता है। तो चलते हैं देखते हैं ये क्या करते हैं। जनाब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ तुम गेट खोलोगे? चलो खोल दो। नहीं नहीं तुम बहुत जल्दी है जाने की, जाओ खोलो। अब मुझे क्या देख रहे हो? मैं खोलो। पापा की गाड़ी ये खड़ी। चलो 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 रुको अभी रुको अभी अभी स्टार्ट। अबे भाई अभी तो गाड़ी भी स्टार्टिंग तो पहले चलानी है क्या? इधर आ जाओ। चलो अबे मेरा हाथ फंस गया। चलो उतरो 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 जी पहुंच गए। चलो 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 भाई इंजेक्शन के डे है आज। क्या हुआ? जाऊं ना? कह रहे हैं कि ये वाली जो वैक्सीन होती है सिर्फ ट्यूसडे को लगती है। कौन सी वाली? 9 मंथ वाली? ट्यूजडे को। अगर कोई दूसरे दिन आया अगर हमको नहीं, हमारे पास की 10 सैंपल होते हैं, अगर हमें एक अभी इसको लगा देंगे तो 9 जाया हो जाएंगे, फिर फायदा नहीं है ना। तो इसलिए सिर्फ ये वाली वैक्सीन ट्यूजडे को लगती है, बाकी वैक्सीन आप किसी भी दिन आके लगा सकते। तो आप ये ट्रिप से आगे लगवाएंगे? नहीं 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 लेट नहीं करेंगे। अब क्या मतलब है कि टला नहीं सकते, वैक्सीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो यार गाइस ये वैक्सीन जो है ना ट्यूजडे को बोल रहे हैं और ट्यूजडे अभी थोड़ा सा दूर है हमारे डे से, तो वेट करते हैं। अब क्या करें यार, आज तो हम बासिल को मतलब रोते हुए दिखाएंगे, मतलब कि बासिल की रिएक्शन देते हैं कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा समझदार हो गया। पहले तो इसको वैक्सीनेशन लगती थी तो ये काफी छोटा होता था, सिर्फ ये रोता ही था, मतलब डरता नहीं था और इसको कोई और रिएक्शन नहीं होते थे, क्योंकि दर्द होता तो रोता था। लेकिन अब इसको पता लगता है कि भाई मेरे को इंजेक्शन लग रहा है और कहां लग रहा है ये सब पता होता है इसको। इस टाइम लास्ट को 14 वीक्स का लगा था, मतलब 5वें महीने या 6वें महीने या 4वें महीने को लगा था। अब बड़े टाइम बाद लग रहा है। 9 इयर्स तक चल गई वैक्सीनेशन? हाँ 9 इयर पे भी एक लगता है। ओए 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 ओए, ये साल साल के हिसाब से लगता है, 2 साल बच्चों की वैक्सीनेशन 9 इयर तक चले गई है। सो बस अभी यही है कि नाश्ता नहीं किया, सबने जल्दी उठाया, बोलो वैक्सीनेशन बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी, और यहाँ पर आके तो भाई हमारे साथ प्रैंक हो गया। सो आज अच्छी सी जगह नाश्ता करते हैं, देन उसके बाद फिर घर। क्या हो गया क्या हो गया? मेरे पास आना है, थोड़ा सा थोड़ा दुख आ जा रहा है। देखो सर मार दिया तुम, इतना भी नहीं छोड़ दो, ये सर मारता रहे। कहाँ आना है? अब भाई इसको मेरे पास आना है, मैं गाड़ी के लिए चलाऊंगा। बासिल फिर गाड़ी चला रहा हूँ। अब आपको इसके साथ गाड़ी सीखनी पड़ेगी। नहीं ना ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे को, गाड़ी के पास जब लोग ड्राइव कर रहे हैं उसको बच्चे नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, बच्चे जिद कर रहे हैं, तो अभी गाड़ी रोक लेते हैं जब तक जिद खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हें दूंगा फिर चलाऊंगा। पहले आप चला लो गाड़ी, फिर पापा बाद में चला। पहले चला नहीं लो, पहले खा लो। चला 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 चला। अरे जगह तो दो थोड़ी सी। ले भाई थोड़ी सी भी जगह नहीं है भाई, रक्षा ही रक्षा, और देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं वो उतर क्यों रही है? बीच रोड पे लड़की उतर रही है तो वो तो लड़की की गलती है, साइड में रुक के उतरती है। लड़कियां तो अपनी गलती कभी नहीं मानती। नहीं मान गाइस, कोई रक्षा यहाँ रुकेगा बीच में ठीक है, और कोई यहाँ से ही उतर जाए तो ये रॉन्ग है या राइट, मुझे भाई इतना बताओ। अपनी गलती नहीं मानती लड़कियां। ड्राइव कर रही होती ना तो इन लोगों को बड़े मसले होते हैं। ये देखो ये स्लो चला रही है, कहाँ से रॉन्ग में ले रही है, ये क्या से आ रही है। तो यार करती है तो बोलते ना, अब जब नहीं करेगी तो नहीं भी बोलेंगे। भाई इतनी सी जगह बची है भाई, बस गाड़ी पीछे नहीं कर लेना यार वरना ठुक जाएगी। हाँ सही है, थैंक यू। क्या मंगवाना है क्या मंगवाना है? पिज्जा ही खाने आए तो वही मंगवाएंगे ना, बर्गर तो नहीं मंगवा सकते। बर्गर भी है? बर्गर है? अरे पिज्जा की दुकान में बर्गर भी मिलता है? ये तो मेरी बेइज्जती। जो अच्छा लगे ना वो मंगा लो। बस पिज्जा और कुछ नहीं मंगाऊंगी। नहीं नहीं बस वो देखिए उसको लग रहा है भाग रहे हो। ये मास्क के पीछे पागल है। एक प्लेट आपकी, ओए एक प्लेट मेरी। आए भाई गर्मा गर्म पिज्जा, ओए होए होए होए। अरे आजा आजा आजा। आए तो क्या खिला दिया? पिज्जे की। सुबह करते हैं गर्मा गर्म ब्रंच। चला 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 लेट्स गो। सुबह अभी चलते हैं डायरेक्ट घर। और प्लान क्या है भाई आज का? आज तो मैंने अम्मी के घर जाना था इंजेक्शन लगवा के इसको, पर अब फिर भी इंजेक्शन नहीं लगा, लेकिन जाऊंगे फिर भी। सबक जो है वो सबक ही मॉम के घर छोड़ना है तो बस पहले चलते हैं। अरे यार एक मिनट,
तो बस पहले चलते चुप हो गया, गुस्सा किया तो कब से कर ही जा रहा है, ब्लॉग बना रही नहीं दे रहा। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट फिर घर, और उसके बाद जो है लोग रेडी शेडी हो जाएंगे, बेबी सो जाएगा फिर उड़ जाएगा, फिर इनको छोड़ देंगे घर। आए चलो 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 चलो, अरे रोड पे क्या चल रहा है, वो सभी पहुंच गए घर। चलो मॉम नहीं लगी वैक्सीन, क्यों नहीं लगी? बोले आज डे नहीं है। अच्छा डे नहीं है, समझी शायद लेट हो गए तुम लोग। नहीं नहीं चलो फिर क्या करें। तो नारियल पानी आ गया है तो पीते हैं नारियल पानी। उठ गए हो जी, उठ गए हो, इसका एक पापा फेवरेट है और एक मैं हूँ, हाँ बस दो ही हैं। अभी भी मेरे पास भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेट पापा है। सेकंड नंबर है मैं हूँ, थर्ड पे सबा है, फिर आप हो। सबा के पास से मेरे पास आ जाता। अच्छा फिर थर्ड पे आप हो जाओ, सबा फोर्थ पे। ये जो भी खा रहा हो ना बंदा उसके बाद चला जाता है बस। अब लो चलो, अच्छा चलेगी दिखाओ। अब आप भी खड़े हो। अभी जा रहे हैं ये नानी के घर। कल बताऊं क्या हुआ, मैं इसको ब्लॉग दिखा रही थी ना, इसको पुराना ब्लॉग दिखा रही थी, उसमें पापा ना आ रहे थे तो ये पापा को देख के ना रोने लग गया, बेड पर पहले ना छलांगे मारने लग गया, फिर मैं इसको कमरे में पापा के पास से ही भेजे, फिर पापा को बोला उठाए, फिर पापा जाने बोला, पापा ने यही घुमा दिया। फिर रात में 2 बज रहे थे। चलो मुझे देख रहा है भाई, मैं भी चल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं भी चल रहा हूँ, चल रहा हूँ मैं भी। चलो भाई जा रहे हैं भाई हम लोग, अल्लाह हाफिज़ फटाफट फटाफट। बस घर छोड़ोगे ना, जा रहा है यार। तुम कौन से नंबर पे आते हो? 5th नंबर पे आते हो। वाह भाई तुम्हारा ज्यादा खुश हो रहा है जाने के लिए। ये बाहर लेके जाता है इसको। अच्छा मैंने इसको 2 इंच नहीं लिया था, मेरी तबीयत खराब थी, पूरा घर की तबीयत खराब है। टाटा कर दो, बाय बाय। बाय बाय, चलो छोड़ दो, आ जाओ। अब देखते हैं आता ही नहीं आता। नहीं जा रहा तुम्हारा, जा रहा है। अबे नानी की नहीं जाना क्या? नानी कौन से नंबर पे आती है? अभी नानी के पास जाके पता चलेगा। लेट्स गो। बासी का बैग हमने पहले ही पीछे रखवा दिया था। पार्किंग मिल गई, पार्किंग मिल गई, पार्किंग मिल गई। चलो उतरो भाई, वॉकर भी लेके जा रही हो क्या? अच्छा चलो चलो वॉकर भी ले जाते हैं भाई। कितने दिन के लिए जा रही हो भाई? जो ये वॉकर भी ले ली है, बैग भी बना लिया। 7-8 डेज। अभी हम बजा आएगा ना, 7-8 डेज के लिए अभी छोड़ ही ना दे, 2 दिन के लिए जा रही हूँ सिर्फ। क्या हो गया, क्या हो गया, चिड़िया आ गई क्या? अरे बैल के बजवा। सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस बस बस। ओए ओए क्या हो गया? इन लोगों ने पैकिंग कितनी ज्यादा की है एक में। कौन सा पैकिंग? किस चीज़ जा रहे हैं ना? कहाँ पर? अपना अपना नहीं, हम भी इनके पीछे जाएंगे। हम इनके पीछे जाएंगे या हम इनके साथ जाएंगे या हम ये हम अलग से अलग जाएंगे? ये लोग ट्रेन में जाएंगे, हम जहाज में जाएंगे। क्या प्लान है आंटी? साथ ही आप पहले साथ ही प्लान है? अच्छा प्लानिंग साथ ही है, क्या बात है भाई। एक भाई ये पड़ा हुआ और भी। अच्छा जी पैकिंग चल रही है आप लोगों की भी? हाँ अभी पैकिंग स्टार्ट की, साथ जाने का प्लान है। ओके ये चीज अपने को नहीं पता होता यार, ये प्लान जो है ना, ये जो लड़की है, ये लड़की सारे प्लान कर लेती है, फिर बिल्कुल एंड बताती है कि भाई ये चल रहा है। बोलता अच्छा ये चल रहा है, ठीक है भाई फिर इसको कर लेते। मतलब कि हमारे साथ जो है वो ससुराल भी जा रहा हमारा इस बार ट्रिप पे। एक फैमिली ट्रिप हो गया मेरा पूरा और एक ससुराल ट्रिप हो जाएगा। वाह यार वाह, क्या बात है, प्लान तो अच्छा है वैसे, मजा आएगा फिर तो। आप लोग कैसा, जहाज में जाएंगे क्या करें? जहाज में नहीं। जोया कौन से नंबर पे आती है? जोया 7वें 8वें। इस घर से चलो काम करते हैं, इस घर का पहला नंबर कौन आता है बासिल के लिए? पहले नंबर पे जोया। सही है, मम्मा सही है। नहीं नहीं अनस, अनस से बहुत करता है ये। अगर अनस आवाज लगा तो पहले नंबर पे अनस ही आता है, फिर नानी से, तीसरे नंबर पे जोया, तीसरे नंबर पे जोया आती है। नंबर में क्या रखा है जोया? मैं भी चौथे नंबर पे आती हूं। नंबर में रखा है सब यार, तुमने उस बिचारी को तीसरे नंबर पे कर दिया। तो आप लोगों ने मुझे चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रिप पे संभालेगी वो, तुम्हें पता ही है बात है ना जोया? वैसे इस ट्रिप पे मुझे बहुत सुकून मिलने वाला है, क्योंकि मैं और मासा ही एंजॉय करेंगे, नानी के पास होगा और हम घूमेंगे। अपने ददियाल भी जाना है। मास्क लेके जाएंगे हम, अपने गाँव दिखाएंगे मास्क को, इस वजह से। और मैं बहुत, हम सारे बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। ये सब मुझे लग रहा था कि हम तीन ही जा रहे हैं सिर्फ, बस क्योंकि आपने गाँव रात में देखा हुआ है ना, तो हम दिखाएंगे फिर। नहीं दिन में भी देखा मैंने गाँव, लेकिन उस तरह ने देखा कि आप लोग थे ना, वो आप लोग के रिश्तेदार थे तो वहाँ उनके पास गया था, लेकिन अब आप लोग हो गए। पापा शाजो आ जाओ, आ जाओ यहाँ पर मजा आ रहा है वॉकर में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतनी खुली खुली सीधी सी जगह मिल गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पापा का तो गुड है, पापा से डायरेक्ट आता है। अब वहाँ भागेगा भाई, अभी अगर टकराएगा मकराएगा नहीं, बिल्कुल सीधा फ्लोर मिल गया इसको। तो भाई चाय आ गई है, सुबह चाय नहीं पीती हमने, पिज्जा तो खा लिया था, शाम की चाय पी लेते हैं।
रात का क्या व्यू है, सब जगह लाइट ही लाइट है और ऊपर काला। जहाँ बारिश होती है फिर बहुत अच्छा। बारिश से तो बिल्डिंग नीचे दिखती नहीं होंगी क्योंकि बादल तो इतना होते होंगे। चाय भाई पी भाई और प्लान विलान डिस्कस किया कि भाई किस किस तरह होगा। सो प्लान काफी मजे का होने वाला है। तो बासिल जो जब तक सो गया हम प्लान कर रहे थे, अब मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, मिलते हैं आपको फिर 2 दिन बाद। बाय बाय पापा का मुन्ना, लव यू।